मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा हर पशु चिकित्सा केंद्र पर पशुओं की चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस दी जा रही है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में भी 7 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस दी गई है, जिसको बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य एवं निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों की ओर रवाना किया। सिंगरौली के लिए मिले पशु एम्बुलेंस वाहनों को कलेक्ट्रेट प्रांगण से विधायक रामलल्लू वैश्य, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों की ओर रवाना किया। विधायक वैश्य ने कहा कि अब पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पशु चिकित्सा उनके घर और जहां भी आवारा पशु बीमार या घायल हैं वहां पहुंच जाएगी, और साथ ही इस वाहन से डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंचकर पशुओं का उपचार करेगी। वहीं इस कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर अरविंद झा सहित पशु चिकित्सालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।